सब्सक्राइब कीजिए माय फैशन डायरी को, बेल आइकन को टच कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे क्रिएटिव फैब्रिक बटन बनाने का ट्यूटोरियल। तो इसके लिए आप इस तरह के कोई बटन ले सकते हैं जो साइज़ में थोड़े बड़े हों, जितना आप बनाना चाहते हों इस तरह के, और जिस ड्रेस या कुर्ती या किसी के अकॉर्डिंग मैचिंग आप बनाना चाहते हैं उसका फैब्रिक लेना है, उसका पीस, और इस तरह से इस बटन को अंदर रखना है। अगर आपका फैब्रिक पतला है तो आप एक और लेयर ले सकते हैं, और इसी इस तरह से देखिए, एक हाथ से बटन को पकड़ा है और दूसरे हाथ से फैब्रिक का पीस है, और उस फैब्रिक के पीस को हम घुमाते हुए इसे सेट करेंगे ताकि ऊपर कोई भी ना सिलवट आए, कुछ भी ना आए। और जिस हाथ से फैब्रिक पकड़ा हुआ है वहाँ पर आपको सही से सारी सिलवटों को अंदर लेते हुए इसे घुमाना है ताकि ऊपर का हिस्सा एकदम इक्वल आए और सही से आए। हल्का हल्का जब घुमाएंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद सुई और धागे को इसके अंदर डालना है। एक साइड में धागे में गांठ दी हुई है और सुई को इसके अंदर डालेंगे जो बटन का रॉन्ग साइड है वहाँ से। डालने के बाद हमें ये धागे को इसके चारों ओर लपेटना है ताकि ये टाइट हो जाए और पैक हो जाए। फिर सुई से इसकी दूसरी ओर ले जाकर इसकी अच्छे से गांठ देनी है। दो चार गांठ देने से ये पक्का हो जाएगा और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर देते हैं। ये फैब्रिक कट करने के बाद एक बार आप इसकी और अच्छे से गांठ दे दीजिए ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद इसे ऐसे ही रखना है सुई के साथ। अभी ले रही हूँ मैं ये सिल्क थ्रेड, आप कॉटन का थ्रेड भी ले सकते हैं, और इसे कोई भी फाइल या रजिस्टर की चारों ओर इस तरह से लपेटना है। हमें टेजल बनाना है इसलिए टेजल का हमने यूज़ काफ़ी किया है आगे भी। तो इस तरह से इन सारी जो धागे हैं इनको सही से लेकर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका ऊपर का जो हिस्सा है उसे बांध कर धागे से कुछ लपेट देंगे और फिर गांठ दे देंगे, मतलब टेजल बनाने हैं जो हम दुपट्टे को डेकोरेटिव करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी और चीज़ों के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए। अभी जो नीचे का हिस्सा है उसको सही से ट्रिम करके इक्वल करेंगे और इस तरह से हमें कुछ एक टेजल्स की ज़रूरत रहेगी। तो मैं यहाँ सारी टेजल बना चुकी हूँ इस तरह से, और इन्हें अभी यूज़ करना है उस बटन की चारों नहीं, बस कुछ हिस्से में। बटन में देखिए, हमने यहाँ दूसरी साइड सुई को इसी तरह रखा था, तो अभी यहाँ का जो हिस्सा है टेजल का ऊपर का हिस्सा वो पूरा बटन के अंदर की साइड जाएगा, यानी बटन की रॉन्ग साइड में जाएगा। ये वो सुई को इस तरह से अंदर डालेंगे टेजल में और यहाँ अटैच करेंगे। टाइटली अटैच करना है तो एक बार और सही से सुई से इसकी लपेट देंगे, फिर दूसरा जो टेजल है एग्जैक्ट इसी के पास पास में ही अटैच करना है। ऐसे करके सारे के सारे टेजल इनके पास ही हम लोग अटैच करेंगे, और जैसे जैसे आप ये सारे अटैच करते हैं, जैसे अभी दो किए हैं तो दोनों को एक साथ सुई धागे से बांध दीजिए, फिर तीन करते हैं तो तीनों को सुई धागे के साथ एक साथ इकट्ठा स्टिच कर लीजिए ताकि एकदम पास पास में हो जाएंगे, इनके बीच में कोई खाली जगह ज़्यादा रहेगी नहीं। और सुई धागे से जब आप ये करेंगे तो ये पक्का होगा, आगे खोलने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे।
ये सारे टेजल यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी इनको टाइट कर देना है और फिर गांठ देकर इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ही सिंपल टेजल हो जाएगा। सिंपल कुर्ती के लिए हमारा फैब्रिक बटन डिज़ाइनर। और थोड़ा इसे ट्रिम कर देते हैं जो टेजल के हिस्से हैं ताकि इनका लुक अच्छा है, फिनिशिंग आ जाए इनकी। अभी देखिए यहाँ पर हमें और इसे डेकोरेटिव करना है तो सुई और धागे को इसे रॉन्ग साइड से लाएंगे और जो बटन का हिस्सा है एग्जैक्ट उसके सेंटर में, यहाँ देखिए इस तरह से सेंटर में लाएंगे सुई और धागे को। उसके बाद में यहाँ कुछ मोती की लाड़ हैं तो मोती को हम लोग यहाँ पर पिरोएंगे। यहाँ जो धागा है वो बटन के एग्जैक्ट जो किनारा है उसके सेंटर में है और जहाँ तक जो हमने टेजल यहाँ बटन के आसपास लगाए हैं उतने ही मोती हमें चाहिए। देखिए यहाँ जितने चाहिए उतने मोती हम लेते हैं और उसके बाद में जो बटन का हिस्सा है जहाँ पर टेजल्स हैं वहाँ तक हम ग्लू लगा देंगे। ये यहाँ से और इन मोती को चिपका देंगे और इन्हें कुछ देर सूखने के लिए रख दीजिए। ये सूख जाए उसके बाद में सुई और धागे से वापस यहाँ रॉन्ग साइड में लाएंगे धागे को और फिर गांठ दे देना है। तो ये पूरी तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। आप इस तरह के जब दो चार या अपनी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग जितने भी लगाएंगे ये काफ़ी अच्छा लुक देंगे। देखिए सिंगल है वो देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है और जब आप अपनी ड्रेस में या कुर्ती में मैक्सी ड्रेसेस में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। इस तरह से आप अलग अलग फैब्रिक बटन बना सकते हैं अपनी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग धागा यूज़ करके। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।